नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, टुडे इज 5th अप्रैल 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग का हो, आरबी ऑफिस अटेंडेंट्स का एग्जाम्स, आईबीपीएस का एग्जाम्स, एसबीआई का एग्जाम्स, लाइक दैट आप किस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके, एवरी डे रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, डेली जीके आपका हो गया, राइट, एंड देन इट्स बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, सभी टाइप के बुक पेज पर कौन का डेज आज के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी टाइप के इंफॉर्मेशन, सभी टाइप के न्यूज यहाँ पर अपन शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। नीचे रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करें ताकि कोई अपडेट वीडियो हो तुरंत मिले। अच्छा लगे लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, इम्पोर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। देखिए, मार्च मंथ एंड होते ही, राइट, आप सभी को मालूम है, जैसे कि मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा, मंथ के एंड होते ही मैं प्रत्येक टॉपिक बेस पर वीडियो बनाता हूँ। जैसे मार्च मंथ एंड हुआ है उसके डेज बेस पर और उसके डेज की क्या थीम है, उन सभी का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छा वीडियो है, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लाइक दैट एग्जाम्स के लिए भी यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। ओके, तो आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशंस को देख लीजिएगा। अगर जिनका एग्जाम्स है 9th और 10th अप्रैल को आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का, आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर वॉच करिएगा। ओके, उसी प्रकार आपको अगर मार्च माह फरवरी का मंथ का देखना हो, जनवरी मंथ का डेज देखना हो तो वह वीडियोज के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने दे रखे हैं आपके लिए, आप प्लीज़ आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। इसके भी आगे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, आपके सितंबर, राइट, इनके भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में वीडियो अवेलेबल है, बट इसका भी मैंने एक पीडीएफ रेडी करके रखा है, पीडीएफ बना के रखा है पर्टिकुलर बात का है, तो उन सभी पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, राइट। एक मंथ एंड होते ही टॉप 100+ क्वेश्चंस का एमसीक्यूज मैं तैयार करता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो आप में से जो भी स्टूडेंट है पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फरवरी मंथ का है, मार्च का भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। इसमें बुक्स हैं, कौन कौन सा डेज है, स्टैटिक जी के क्वेश्चंस, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं पे करना, किसी तरह का कोई भी आपको एक भी पैसा नहीं पे करना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। ये मैंने सैटरडे को एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था आप सभी को, विथ हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स द इंडियन कॉन्टिंजेंट एमर्ज सक्सेसफुली इन ISSF, राइट, वर्ल्ड कप इन द ट्रैप इवेंट, यानी कि जो ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, राइट, शूटिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन है, जिसका विश्व कप जो वर्ल्ड कप था वो आपके इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। यह पहले आप ध्यान रखिएगा, इंडिया में न्यू दिल्ली में शूटिंग का वर्ल्ड कप खेला गया था। क्वेश्चंस मेरा आपसे यह था कि इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, राइट, तो वह जीते थे भारत ने, दैट इज द 14 गोल्ड मेडल। ओके,
टोटल 14 गोल्ड मेडल्स भारत ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल की बात तो हो रही है जीते थे। सबसे पहले दो क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ आयोजित हुआ था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप है वह आपके इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, यह ध्यान रखिएगा। ओके, इंडिया कितना जीता? 14 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पोजीशंस पे रहा था इंडिया, याद रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर आपका सी होगा। अगर आपने से सी ऑप्शंस आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट डेज पे। टुडे इज 5th of April, यानी कि आज का दिवस है नेशनल मैरिटाइम डे, राइट। आप सभी को मालूम होना चाहिए नेशनल मैरिटाइम डे, राष्ट्रीय मैरिटाइम दिवस, राष्ट्रीय समुद्रीकरण जिसको कहते हैं वह आपका बनाया जाता है 5 अप्रैल को। ओके, 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे यानी कि इंडिया का। अभी तक अप्रैल मंथ की बात करें तो पहले 1 अप्रैल को अपन ने पढ़ा था उत्कल दिवस, उड़ीसा अपना स्थापना दिवस बनाया था, 86th स्थापना दिवस था उड़ीसा का। उड़ीसा का जो स्टेटहुड डे है, उड़ीसा का जो एस्टेब्लिशमेंट डे है उसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। ओके, फिर 2nd of April को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, राइट। यह एक रोग है, एक पर्टिकुलर उसको जागृत करना बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा यह बच्चों के अंदर होता है यह रोग, जिससे बच्चा का चिड़चिड़ा स्वभाव होना, नींद नहीं आना, राइट। इस टाइप के लोग के रोग, ये जो रोग है इसके लक्षण होते हैं, तो उसके प्रति एक तरह से अवेयरनेस जागृत करना, राइट, लोगों को जागरूक करना, राइट, तो वह बनाया जाता है 2nd of April को। 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे, याद रखिएगा। एक होता है वर्ल्ड मैरिटाइम डे यानी कि पूरे के पूरे विश्व का, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक होता वर्ल्ड मैरिटाइम डे, एक होता इंटरनेशनल मैरिटाइम डे यानी कि अपने भारत का, और एक होता है आपका पूरे के पूरे वर्ल्ड का, राइट। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप सर्च करिएगा कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे है जो कि आपका कब बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड मैरिटाइम डे कब बनाते हैं, पहला ही ऑप्शन 5 अप्रैल देगा और टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। याद रखिएगा, एग्जामिनर आपके साथ खेल खेल रहा है, क्वेश्चंस कैसे आपको पढ़ना है यह मेन चीज होती है। डेज बेसिस पे बात करें तो डेज में दो ही होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल या वर्ल्ड, एक होता है नेशनल्स, राइट, राष्ट्र का दिवस और आपकी पूरे के पूरे विश्व का दिवस। ओके, तो इसमें मैंने नेशनल मैरिटाइम डे 5 अप्रैल को बता दिया। अब आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, वर्ल्ड मैरिटाइम डे कब बनाते हैं, इज इट क्लियर। अगर आपको मार्च मंथ के सारे डेज कवर करना है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया था एक वीडियो का थंबनेल बताया था, सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने वहां पर तैयार किया है। ओके, एंड आज एक बुक्स भी है, दैट इज द मनोहर परिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, राइट। तो यह पुस्तक लिखी है दैट इज द नितिन गोखले, राइट, मनोहर परिकर, गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके थे, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। संघ यानी कि RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 1925 में जिसकी स्थापना हुई थी उसके साथ भी यह जुड़े हुए थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। रक्षा मंत्रालय का प्रभार इन्होंने देखा था बाहर इंडियन गवर्नमेंट में, राइट। तो उनका जो निधन अभी हो चुका था, राइट, तो उनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, दैट इज द मनोहर परिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, राइट। इस पुस्तक को लिखा है दैट इज द नितिन गोखले। ओके, इज इट क्लियर, डेज क्लियर हुआ, कोई बुक्स है तो बुक्स में मैंने यहाँ पर कवर करा दी है। अब चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे, राइट। यहां तक अगर आपको सेशन अच्छा लगा
तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बार बार इसलिए कहता हूँ मोटिवेशंस मिलता है, राइट। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज है, दैट इज द कलिंग रत्न अवार्ड प्रेजेंटेड टू गवर्नर, राइट। एक कलिंगा प्राइज दिया जाता है माय डियर एस्पिरेंट्स यूनेस्को द्वारा, जिसमें पर्टिकुलर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने जिसने एक तरह से पर्टिकुलर अपने राइटर के जो भी वो काम कर रहा है उस काम में अपनी अच्छी भूमिका निभाना, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना, योगदान अच्छा होना। जैसे कि कोई राइटर है तो राइटर में आपकी अच्छी भूमिका हो, कोई आपके एक ऑथर है राइट, उसकी अच्छी भूमिका हो राइट, कोई आप साहित्यकार है उसकी अच्छी भूमिका हो राइट। तो वह अपने अपने फील्ड में किस टाइप से काम करते हैं उनके प्रति यह अवार्ड दिया जाता है। तो यह अवार्ड अब कलिंगा रत्न है जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं आपके जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं दैट इज द विश्वभूषण हरिश्चंद्र राइट। विश्वभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनको यह अवार्ड से सम्मानित यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया अवार्ड किसने दिया है, दैट इज द वेंकैया नायडू। ओके, यही क्वेश्चंस बन सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कलिंगा, जो कलिंगा रत्न अवार्ड है, कलिंगा प्राइज है राइट, वह किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, सेकेंड थिंग किसको इंडिया में मिला है, थर्ड थिंग कभी कभार गवर्नर पूछ लेता है कि जो आपकी विश्वभूषण हरिचंद्रन है जिनको कलिंगा रत्न अवार्ड मिला है तो वह किस राज्य के गवर्नर है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट दैट इज द राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट। आप सभी को मालूम है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर है, उनको भी मालूम है, कोई भी चीज़ का फर्स्ट इनॉग्रेशन हो, कोई भी चीज़ का पहली बार इसका ओपन हो राइट, पहली बार इनॉग्रेशन हो, पहली बार सेटअप लगाया जाए राइट, तो पहली बार कोई स्कीम की लॉन्चिंग हो, हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट। तो राजस्थान पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट राइट, पहला ऐसा स्टेट बना है जो सब राज्य के जो सभी नागरिक हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा राइट। जीवन बीमा हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके सारे स्वास्थ्य बीमा है वह किया जाएगा, पहला ऐसा स्टेट बना है राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अशोक गहलोत, जोधपुर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अशोक गहलोत की। ओके, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, कलराज मिश्र इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान राइट, एंड केवला देव, रणथंभौर, डेजर्ट, सरिस्का, ये सारे के सारे नेशनल पार्क फेमस पार्क है जो कि आपकी राजस्थान में ही स्थित है। ओके, राजस्थान की एक स्कीम है इंदिरा गांधी रसोई योजना राइट, जो कि एक राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। ओके, पहले ये बीजेपी की गवर्नमेंट में अन्नपूर्णा योजना थी, उसके बाद इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी योजना शुरू कर दिया है। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप टू हेल्ड इन ताशकंद राइट, जो कि आपकी उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल से ताशकंद राइट, ताशकंद राइट, वहां पर इस पर्टिकुलर जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है राइट, जो कि आपकी वहां पर होगा, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, वहां पर इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप का शुभारंभ होगा 2023 की चैंपियनशिप। ओके, वर्ल्ड उज्बेकिस्तान की कैपिटल होगी आपकी
उज्बेकिस्तानी शोम, कैपिटल्स देखिए, करेंसी हो गई उज्बेकिस्तानी शोम एंड कैपिटल्स ताश्कंद, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। 2023 में बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताश्कंद में आयोजित हो। इज इट क्लियर? समझ में आता जा रहा है ना? न्यूज आपको कैसी लग रही है, ये चीजें भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिएगा। नेक्स्ट ऑबिचुरीज है, दैट लिख लीजिए। वेटरन्स एक्टर शशिकला, राइट, शशिकला सेगल, राइट, जिनका 88 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, राइट। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रख्यात एक एक्ट्रेस की भूमिका में काम करती थी, राइट। गुमराह, राइट, छोटे सर का, राइट, आरती, ये जो आरती हो गया, घुमरा हो गया, छोटी सरकार हो गया, इन जैसी फिल्मों में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। फाइनली इनका निधन हो चुका है, राइट, 88 ईयर्स की एज में, याद रखिएगा, शशिकला सेगल। ओके, ये बिलोंग तो महाराष्ट्र से करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शूटिंग कोच संजय पासवान, शूटिंग कोच है माय डियर एस्पिरेंट, शूटिंग के कोच है संजय चक्रवर्ती, राइट, उनका भी निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा संजय चक्रवर्ती किस खेल से रिलेटेड थे, तो याद रखिएगा शूटिंग के कोच की भूमिका में काम करते थे। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आया तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, एक जो वर्ल्ड बॉक्सिंग वाला मैंने आपको बताया था, राइट, एंड डेली इंटरनेशनल्स नेशनल्स अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑबिचुरी मैंने आपको बता दी, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आपने यहाँ पर शेयर कर ली है, राइट। आई होप आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा होगा, समझ में भी आपको आ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु इज टू बी अवार्डेड द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, राइट, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाना है, राइट। जो 51वां दादा साहब फाल्के का जो पुरस्कार है 51st, वह किसे मिलेगा, राइट, यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, यह भी बिल्कुल एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। इससे पहले मैंने एक फिल्म फेयर के बारे में भी आपके साथ शेयर किया था, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको मालूम भी होगा, राइट। तो आपके लिए दो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चंस आपका हो गया, दैट इज द वर्ल्ड मेरीटाइम डे, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर देना है कि 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह किसे मिलेगा, राइट। ये दो क्वेश्चंस आपके हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा, सीखने को मिला हो कुछ भी कि हाँ सर हमने ये सीख लिया है, तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, राइट। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है दे रखा है, वहां ज्वाइन करिए, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। ओके, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।